हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फ़ोन वन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ से है ना डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको जो है एक फ़ोटो को ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा ब्लूटूथ के ज़रिए। ठीक है, आप चाहे तो फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल वगैरह और भी बहुत चीज़ें सेंड कर सकते हैं ब्लूटूथ से। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए अपने फ़ोन की गैलरी ओपन कर लेता हूँ। गैलरी में अब मैं यहाँ पर जो एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया एक, ये वाला। अब यहां पर आपको करना क्या है, इसे सेंड का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेंड। ठीक है, तो ये पेज आएगा। अब इस पेज में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहां पे नीचे जस्ट वन का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपका ना ये पेज आएगा इस तरीके से। तो जो भी सामने वाले पर्सन का ब्लूटूथ का नाम होगा ना, उसका जो ब्लूटूथ का नाम होगा वो आपको यहां पे दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको जो है ना करना क्या है, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में या फिर उसके डिवाइस में एक्सेप्ट का एक पेज जाएगा छोटा सा, तो उस एक्सेप्ट के पेज पे है ना सेलेक्ट कर देना है। तो जिससे क्या होगा कि जो फाइल है ना वो आपकी ट्रांसफ़र देखिए इस तरीके से होने लग जाती है। जैसे ही 100% हो जाएगा ना, तो आपके जो ब्लूटूथ से है ना फाइल आपकी यानी कि डेटा चला जाएगा सामने वाले पर्सन के डिवाइस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना।